सो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक ऑफिसर जब आप ज्वाइन करेंगे देन आपको क्या क्या काम करना होता है. सो दिस इज मोटिवेशन फॉर यू गाइज जो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो होपफुली दिस विल बूस्ट योर प्रिपरेशन. आपका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं, अपना एफर्ट्स देते हैं. सो लेट मी शो यू. आई एम गोइंग टू शो देन सी दिस इज माई काउंटर. सो दैट्स द काउंटर. वहाँ पर हम बैठ के अपना काम वगैरह करते हैं, डीलिंग्स वगैरह. एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये, अगर आप जो पजल वगैरह सॉल्व करते हो ना, जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, रैंडमनेस को फेस करना पड़ता है एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का साथ भी आपको कूल रहना पड़ता है, वो कैसे आपको बैंकिंग में हेल्प करेगा, मैं वही सोचता था. पर एक्चुअली यू कैन सी द जो डेस्क है मेरा, वहाँ पर डिफरेंट थिंग्स है. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इसको पूरा क्लीन रखूँ, पर ऑटोमेटिकली ये हालत एवरी डे का एंड में, ईओडी हम उसको बोलते हैं, एंड ऑफ द डे, ये हालत हो ही जाता है. और इसमें हम काम करते हैं क्या क्या, जैसे कि अगर देखा जाए सो डू द थिंग्स लाइक, आप ऑपरेशन को भी देखेंगे जो कस्टमर सर्विस होता है, दैट इज़ 10 to 4 के बाद. उसके बाद आपका जो होता है लोन्स रिलेटेड क्रेडिट डिपार्टमेंट, साथ ही साथ आपको सर्विस वगैरह के साथ साथ हमारा जो CTS चेक क्लियरिंग होता है. और अभी मैं आपको 2 to 3 पॉइंट्स वाला बोला, उसके आपका ऑपरेशन में बहुत चीज़ जाएगा, अकाउंट ओपनिंग के स्टार्टिंग से आपका कस्टमर क्वेरी भी वगैरह ऐड हो जाएगा, साथ में जो भी अकाउंट मॉडिफिकेशन होना चाहिए, या देर आर मेनी थिंग्स जब आप काम करोगे देन ओनली यू कैन रियलाइज. और नॉर्मली आई डू बिलीव कि वंस आपका वर्किंग आवर ख़त्म, वी शुड लिव लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बींग. और इसीलिए मैं फॉलो करता हूँ इसी को, पर हो नहीं पाता है नॉर्मली अभी मेरा. और टाइमिंग अगर लेट मी शो यू, टाइमिंग अभी बज रहा है 8 बजने वाला है, बस और 10 मिनट बाकी है. सो जस्ट इमेजिन कि आपका आने का टाइम फिक्स है पर जाने का टाइम फिक्स नहीं है. सो बी रेडी फॉर दैट. एंड उसके बाद और एक हो जाता है कि घर से बाहर वाला पोस्टिंग. जितना टाइम अभी आप लोग घर में हो जस्ट एंजॉय दैट टाइम, क्योंकि उसके बाद आफ्टर सम टाइम, मैं भी खुद बोलता था आई लव टू एक्सप्लोर, आई लव टू एंजॉय द थिंग, आई लव टू ट्रैवल. और अभी बिलीव मी आफ्टर सम ईयर एवरीथिंग विल बी इन दैट सेम प्लेस, बट घर का तो याद आना ही है. सो ये रहा, दिस इज ऑल अबाउट. अगर आपको और कुछ जाना, यू कैन ऑल्सो मेंशन कि कौन सा टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ. फिर मिलते हैं नेक्स्ट में. एंड प्रिपेयर हार्ड, बिलीव मी, विल प्राउड फॉर योर स्ट्रगल, यू आर प्राउड फॉर योर एवरीथिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग नाउ. फिर मिलते हैं नेक्स्ट में. टेक केयर, बाय बाय.